गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, हम अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम्स डिस्कशन से उसको हम विल कैरी फॉरवर्ड दैट, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। टुडे ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग मैनी प्रॉब्लम्स। ओके, लेकिन इस प्रॉब्लम में आने से पहले इसका प्रीवियस लेक्चर्स, दो तीन लेक्चर्स जरूर देखना, उसके बाद यहाँ पर आना, ठीक है? तो आई एम स्टार्टिंग विद अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन किरचॉफ्स junction rule. Okay, there's a current of 5 ampere is coming, 1 ampere is going that side, 1 ampere is entering from this side. What do you have to find? You have to find current in the resistor X. Find current in the resistor X. Kaun sa resistor X hai? Ye resistor. Iske through current nikalna hai. Okay, to bahut asaan hai. Okay, कैसे निकालेंगे इसको? देखो, 5 एम्पियर, 1 एम्पियर इज गोइंग दैट साइड, दिस साइड हाउ मच विल कम? 4 एम्पियर। दिस इज 1 एम्पियर, दिस इज 1 एम्पियर, दिस साइड विल कम हाउ मच? 2 एम्पियर। 1 एम्पियर इज एंटरिंग, 1 एम्पियर इज एंटरिंग, सो 2 एम्पियर विल बी कमिंग आउट। फाइनली हियर देयर इज 2 एम्पियर, देयर इज 4 एम्पियर, फाइनली हाउ मच विल बी कमिंग आउट? 6 एम्पियर। 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ओके, राइट। Another question. A very simple question. For example, there is a simple circuit like this, 40 ohm, 200 ohm. There is a voltmeter connected across this resistor. What is the job of voltmeter? Okay. अगर हम voltmeter को किसी दो point के बीच में join कर देते हैं तो voltmeter calculates the potential difference between these two point. अब ये voltmeter ideal नहीं है. अच्छा, ideal voltmeter. Ideal voltmeter. याद रखना, इसका जो रेजिस्टेंस है इन्फिनिटी है। आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, मतलब आइडियल वोल्टमीटर के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं होगा। और अगर ये आइडियल एमीटर है करंट मेजर करने वाला, उसका रेजिस्टेंस कितना है? जीरो रेजिस्टेंस, जीरो आर, इनफाइनेट आर। इसलिए इसको किसी एलिमेंट की पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। जैसे मुझे अक्रॉस दिस 200 ओम मुझे वोल्टेज मेजर करना है, और इसमें से सपोज 2 एम्पियर करंट वॉज फ्लोइंग, कितना एम्पियर? 2 एम्पियर। तो मुझे मालूम है 2 × 200 कितना हो जाएगा? 400 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको मेजर करने के लिए मैं वोल्टमीटर कनेक्ट किया। और सपोज इसका रेजिस्टेंस इनफाइनेट नहीं है तो क्या होगा? जो 2 एम्पियर व्हिच वॉज पासिंग थ्रू इट, उसका एक पार्ट इधर आ जाएगा। सपोज 1 एम्पियर इधर आ गया, ओके, सो वहाँ से कितना जाएगा? 1 एम्पियर जाएगा। सो एक्चुअली पोटेंशियल अब कितना होना चाहिए था? 200 × 2 × 2 400 वोल्ट। अभी कितना जा रहा है? 1 एम्पियर जा रहा है, तो कितना बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस? 200 वोल्ट। 1 एम्पियर इंटू 200 ओम इज इक्वल टू 200 वोल्ट। इसीलिए ताकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट डज नॉट गेट मॉडिफाइड, इन आइडियल सिचुएशन रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज टेकन टू बी इनफाइनाइट, सो दैट जो करंट पहले 200 के बीच में से जा रहा था, वोल्टमीटर कनेक्ट करने के बाद भी वही करंट 200 ओम के थ्रू जाना चाहिए। इसमें से कोई भी करंट यहाँ आना नहीं चाहिए। आने से क्या होगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस मॉडिफाई हो जाएगी। इसीलिए आइडियल सिचुएशन में ये लिया जाता है। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें ये वोल्टमीटर आइडियल नहीं है। इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है। यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चंस, फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 800 ओम। इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 800 ओम, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बहुत सिंपल है। अगर इसका रेजिस्टेंस 800 ओम है
और रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर मतलब दिस विल मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अभी हमें ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसमें रेजिस्टेंस कितना है? 40 ओम। अब हम पहले निकालते हैं ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ये 200, ये 800, 200 है, ये 800 है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 200 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना बन गया? 8, 2, 16 160 ओम हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब टोटल बैटरी कितना था? 50 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 200, बिकॉज दिस स्टोर इन सीरीज 200। सो इसमें से तुम्हें क्या मिल गया? करंट इन द सर्किट मिल गया। करंट कितना होगा? 50 डिवाइडेड बाय 200, 50 डिवाइडेड बाय 200 कितना आ गया? 1/4 एम्पियर। आया समझ में? 1/4 एम्पियर इज द करंट। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, वी ए बी कितना होगा? करंट इंटू रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। करंट इज व्हाट? 1/4, क्योंकि जो करंट बैटरी से निकलेगा वही करंट दोनों रजिस्टर के बीच में से जाएगा। करंट इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज नथिंग बट 160 ओम। तो कितना होगा? 40 60 ओम, तो चलिए वोल्ट होगा, 40 वोल्ट। ओके, ये इसको कैलकुलेट करने का, डिटेल कैलकुलेट करने का मेथड है। इसको कैलकुलेट करने का मैं और एक शॉर्टकट दिखाता हूँ जो मैंने कैपेसिटर्स में दिखाया था तुम्हें। ओके, अगर याद है तो तुम खुद करो और नहीं तो ये वाला देख लो। जैसे मुझे पहला रेजिस्टेंस कितना मिला? 40 ओम। सेकेंड रेजिस्टेंस कितना मिला? 160 ओम। दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में है। शॉर्टकट में क्विकली कैसे निकालोगे, लेकिन उससे पहले पूरा थ्योरी जानना जरूरी है। तो हमें करंट मिल गया 1/4, करंट इज 1/4। व्हेन टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू बोथ द रेजिस्टर्स सेम करंट विल पास। अभी हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस देम। ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस V1, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस V2। V1 कितना होता है? ओके, जैसे सपोज मैंने इसको R1 कहा और इसको मैं R2 कहता हूँ, और करंट इज सपोज I। V1 कितना होगा? IR1, और V2 कितना होगा? IR2। इससे क्या पता चलता है? V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2। इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। कब? जब दोनों रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज है। यानी रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस जितना कम होगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना कम होगा। अब हम इन दोनों की रेजिस्टेंस का रेशियो देखते हैं। रेशियो कितना है? 40/160, डेट इज 1:4। R1/R2 कितना है? 1:4। सो V1/V2 व्हिच इज इक्वल टू R1/R2 शुड ऑल्सो बिकम इक्वल टू हाउ मच? 1:4। V1/V2 शुड ऑल्सो बिकम 1:4। यानी यहाँ पर अगर 1 वोल्ट तो यहाँ पर 4 वोल्ट, यहाँ पर अगर 10 वोल्ट तो यहाँ पर 40 वोल्ट। ओ सॉल्व हो गया, टोटल कितना है? 50 है, तो इसमें कितना होगा? 1:4, यहाँ 10 वोल्ट और यहाँ 40 वोल्ट। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, राइट, ये कितना बन जाएगा? 40 वोल्ट। इसको कैलकुलेट करना आसान है, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं और एक प्रॉब्लम के थ्रू। जैसे यहाँ पर 4 ओम है, और लेट मी टेक अनदर 1, 3 ओम। ओके, और मैंने इस बैटरी को कनेक्ट किया 21 वोल्ट। ओके, सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम इज V1, अक्रॉस 3 ओम इज V2 कितना होगा? क्विकली करते हैं। ओके, रेजिस्टेंसेस आर 4:3, सो पोटेंशियल ड्रॉप ऑल्सो विल हैव टू बी 4:3। यानी यहाँ पर 4 पार्ट होगा, यहाँ 3 पार्ट होगा, टोटल कितना पार्ट? 7 पार्ट। यानी 21 को मुझे 7 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 21 को मुझे 7 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, देन इच पार्ट विल बिकम 3 वोल्ट, देन इच पार्ट विल बिकम 3 वोल्ट। 21 को मुझे 7 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि ये साइड में 4 पार्ट्स होगा और ये साइड में 3 पार्ट्स होगा। V1 V2 इंटर रेशियो 4:3, ये 4 पार्ट, यहाँ पर 3 पार्ट। सो 21 आई हैव टू डिवाइड इंटू 7 पार्ट्स, इच पार्ट विल बिकम 3 वोल्ट, इच पार्ट विल बिकम 3 वोल्ट। ओके, सो यहाँ पर 4 पार्ट्स मतलब 12 वोल्ट, 4 पार्ट मतलब 4 3 जाए 12 वोल्ट, और यहाँ पर कितना होगा? 3 पार्ट मतलब 3 3 जाए
9 वोल्ट। ठीक है, इसको इस तरह से हम क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और एक दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। लेट मी कंसीडर अनदर क्वेश्चन आउट हियर। लेट मी कंसीडर अनदर क्वेश्चन आउट हियर। ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम ही हमने डिस्कस किया। लेट मी स्टिल डू इट वंस अगेन ताकि तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। ये 5 ओम वाला है, 10 वोल्ट, 5 ओम, एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज ऑल्सो सपोज ग्राउंडेड। ओके, 2 5 ओम है, करंट इन द सर्किट इज गिवन एज I1। अभी तुम्हें क्या करना है, ये सर्किट में करंट का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, यानी I कितना है, I का वैल्यू कितना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, I का वैल्यू कितना है। तो कितना होगा, अगर 2 पॉइंट ग्राउंडिंग है, इसको हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। अगर 2 पॉइंट्स, दिस 2 पॉइंट्स आर ग्राउंडेड, दे कैन जस्ट बी जॉइंड। किसी भी सर्किट में 2 पॉइंट ग्राउंडेड रहते हैं, दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसका पोटेंशियल भी जीरो है, इसका पोटेंशियल भी जीरो है, दे आर हैविंग सेम पोटेंशियल। सो पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल कैन बी जस्ट जॉइंड। तो अगर मैं इसको जस्ट ज्वाइन कर दूँ तो मेरा सर्किट इस तरह से बन जाता है। ओके, इस तरह से बन जाता है। तो टोटल जो रेजिस्टेंस है इन द सर्किट कितना बन जाएगा, 5 एंड 5 10 बन जाएगा, और बैटरी कितना है, 10 वोल्ट। तो करंट कितना बन जाएगा सर्किट में, 1 एम्पियर। ओके, यू कैन सॉल्व इट एज फास्ट एज पॉसिबल, राइट। इसके रिलेटेड और इक्वेशंस करते हैं। जैसे सपोज यहां पर इक्वेशंस है इस टाइप से, ये 10 वोल्ट है, बाकी रेजिस्टेंसेस आर 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम, दिस पॉइंट इज ग्राउंडेड। ओके, सो यहां पर एक पार्टिकुलर पॉइंट है, दिस पार्टिकुलर पॉइंट ए, वी हैव टू फाइंड वी ए, यानी पोटेंशियल एट ए। फाइंड पोटेंशियल लेते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दिस इज टू क्लोज लूप, बिल्कुल ही इसका कोई एक्सटर्नल कनेक्शन है नहीं। सिर्फ दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज ग्राउंडेड, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, जीरो है। लेट मी कॉल दिस पॉइंट इज जी, जी का जी इज ग्राउंडेड, जी का पोटेंशियल कितना है, जीरो है। तो हम देखेंगे सेम करंट इज पासिंग थ्रू ऑल द एलिमेंट्स, सेम करंट इज पासिंग थ्रू ऑल द एलिमेंट्स। ओके, तो इसीलिए ये सारा का सारा जो रेजिस्टेंस है, दे आर इन पैरेलल, दे आर इन सीरीज। सो 5 5 5 5 कितना हो गया, 20। सो करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 20, व्हिच इज नथिंग बट हाफ एम्पियर। ओके, हाफ एम्पियर। अभी मुझे पॉइंट ए का पोटेंशियल निकालना है, मुझे पॉइंट जी का पोटेंशियल मालूम है, और किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल मालूम नहीं है, इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है। सो आई विल कम फ्रॉम ए टू जी। देखो पोटेंशियल एट ए कितना है, वी ए। सपोज पोटेंशियल एट कितना है, वी ए, वी ए, वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट कितना है, हाफ। ओके, सो व्हेन वी क्रॉसिंग दिस रेजिस्टेंस, बिकॉज टू रीच जी मुझे क्या करना पड़ेगा, दो रेजिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा। ओके, आई इज कमिंग फ्रॉम दिस वन, वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देयर विल बी अ ड्रॉप, अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देयर विल बी अ ड्रॉप, सो देयर विल बी टू ड्रॉप्स, देन आई विल रीच जी। ओके, 5 वी ए माइनस 5 आई, अगेन माइनस 5 आई इज इक्वल टू वी जी, पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट इज जी। तो वी ए 5 आई 5 आई 10 आई, आई मीन्स हाफ एंड वी जी मीन्स हाउ मच, जीरो। सो पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए कितना है तुम्हारा, पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए कितना है तुम्हारा, 5 वोल्ट। बोलिए, अगर किसी ने कहा सर अगर व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी, ओके पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना होगा, पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना होगा, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट। दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। ये अगर 5 वोल्ट है
वी ए 5 वोल्ट है, देन वी भी कितना हो जाएगा -5 वोल्ट, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ जाते हो देयर शुड बी अ ड्रॉप ऑफ 10 वोल्ट, तो 5 तो -5, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ओके अभी चलो और एक पॉइंट की तरफ जाते हैं, व्हिच इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स जंक्शन रूल भी कह सकते हो, काफी कॉमन क्वेश्चन है। देयर इज अ पॉइंट ए, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कनेक्टेड टू 20 वोल्ट, दिस इज 5 ओम, दिस इज कनेक्टेड टू 10 वोल्ट, 10 ओम, दिस इज कनेक्टेड टू 30 वोल्ट, दिस इज 5 ओम। ओके इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, लेट मी कॉल दिस पॉइंट्स इज एक्स वाई एंड जेड। ओके एंड लेट मी कॉल दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज सपोज ओ, तो इसमें ये करते हैं फाइंड करंट अक्रॉस इच रजिस्टर एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ओ, ओ पॉइंट का पोटेंशियल भी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे इसको करने के लिए हम ये करते हैं, अब ये 20 वोल्ट है इसका पोटेंशियल नहीं मालूम, 10 वोल्ट है इसका पोटेंशियल नहीं मालूम, 30 वोल्ट है इसका पोटेंशियल नहीं मालूम, अब कौन सा एंड से करंट एंट्री होगा और कौन सा एंड से करंट एग्जिट होगा ये हमें नहीं मालूम, थ्रू हुई एंड करंट विल बी कमिंग इन एंड थ्रू हुई एंड करंट विल बी गोइंग आउट वी डू नॉट नो एग्जैक्टली। सो क्या करेंगे, विल टेक ऑल द करंट्स हेडिंग टुवर्ड्स द, ओके लेट मी कॉल दिस इज आई वन, लेट मी कॉल दिस इज आई टू, लेट मी कॉल दिस इज आई थ्री, ऑल द थ्री करंट्स आर एंटरिंग द जंक्शंस, द सम ऑफ ऑल दिस थ्री करेंट्स आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री विल हैव टू बी इक्वल टू 0, क्योंकि तीनों करंट जंक्शन की तरफ हो नहीं सकता, इफ वन करंट इज टुवर्ड्स द जंक्शंस और देन टू करेंट्स विल हैव टू बी आउट, और इफ टू करेंट्स आर टुवर्ड्स द जंक्शन एटलीस्ट वन करंट विल हैव टू बी आउट, सो आउट ऑफ दैट डायरेक्शन ऑफ सम करंट विल हैव टू बी नेगेटिव, बट वॉट एवर इट इज द सम ऑफ ऑल द करंट्स एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0, हम इसे ले सकते हैं, इफ दिस इज ऑल्सो कमिंग दिस इज ऑल्सो कमिंग दिस इज ऑल्सो कमिंग, सो आउट ऑफ दिस कुछ डायरेक्शन गलत है। ओके हमें मालूम है कुछ डायरेक्शन गलत है, जिसका डायरेक्शन हमने गलत दिया उसका वैल्यू बाद में क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक निगेटिव आ जाएगा, सो यू वेट टिल द सोल्यूशन, ओके टिल वी गेट द आंसर्स। अब आई वन आई वन आई वन क्या होगा, करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, वॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है 20, लेट मी कॉल अ पोटेंशियल एट ओ टू बी वी नॉट, ओके लेट पोटेंशियल एट O is equal to V naught. So, what is the current I1? I1 kitna hoga? Potential difference divided by resistance. What is the potential difference? 20 minus V naught. Because I have taken the current from here to here. High potential minus low potential. I have assumed to be low potential. I do not know. Okay. 20 minus V naught divided by 5. I2 coming from there to here. I2 kitna hoga? 10 minus V naught divided by 10. और आई थ्री कितना होगा, आई थ्री कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 30 माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय 5, दिस शुड बिकम इक्वल टू 0, दिस शुड बिकम इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल द थ्री करेंट्स। अब ये पूरा इक्वेशन में एक ही अननोन है एंड दैट अननोन इज नथिंग बट इक्वल टू वी नॉट, तो हम इसको किस तरह यहां से वी नॉट का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ओके ऐसे कर सकते हो कि एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, अगर एलसीएम 10 है ये कितना होगा 40 माइनस ट्वाइस वी नॉट, ये कितना होगा 10 माइनस वी नॉट, ये कितना होगा 60 माइनस ट्वाइस वी नॉट व्हिच विल बिकम इक्वल टू 0, सो 2 वी नॉट 3 वी नॉट 5 वी नॉट, आई थिंक सो 5 वी नॉट, तो टेक इट टू द अदर साइड पॉजिटिव 40 50 110 वोल्ट, चेक इट 22
वोल्ट, 22 वोल्ट। अब तुम्हें आई वन आई टू और आई थ्री का वैल्यू ऐसे मिल गया, ओके इसको खुद कर लो। आई वन कितना है 20, क्या लिखा था आई वन का वैल्यू, मैंने इस डायरेक्शन में लिया तो मैंने इसको एज्यूम किया पॉजिटिव हाई, इसको एज्यूम किया लो, लेकिन इन रियलिटी ये हाई बन गया, तो आई वन कितना होगा 20 माइनस वी नॉट, 20 माइनस वी नॉट बाई 5, 20 माइनस वी नॉट, वी नॉट कितना है 22 डिवाइड बाई 5। सो मैंने आई वन का जो डायरेक्शन लिया गलत था, सो देखो अभी ऑटोमेटिकली क्या आ गया, माइनस आ गया, यानी मुझे इस तरह से लेना चाहिए था, ओके सो ये बन गया तुम्हारा माइनस 2/5 एम्पियर, यानी आई वन इज कमिंग आउट, ओके गोइंग आउट वी आर कंसिडरिंग पॉजिटिव निगेटिव। आई टू कितना हो जाएगा 10 माइनस वी नॉट, डेट इज 22 डिवाइडेड बाई 10, ये कितना बन गया 12 डिवाइडेड बाई 10, डेट इज 1.2, ये भी माइनस आया, मैंने आई टू का टूवर्ड्स लिया, इसको ए वे होना चाहिए था। और आई थ्री का डायरेक्शन कितना आ जाएगा, अभी पॉजिटिव आ जाएगा, 30 माइनस 22 डिवाइडेड बाई कितना है 5, ये कितना बन गया तुम्हारा 8/5, 8/5 कितना होगा 1.515, 3 हैज रिमेन 1.6। अब इन दोनों को ऐड करने से इसका बराबर होना चाहिए, या सम ऑफ ऑल दिस थ्री शुड बिकम इक्वल टू 0, आप वेरीफाई करो सम ऑफ 3 0 है क्या नहीं है, ओके सम ऑफ दिस थ्री i1 प्लस i2 प्लस i3 1.6 प्लस माइनस 1.2 प्लस माइनस 0.4 बना के नहीं बना इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, इसलिए i1 प्लस i2 प्लस i3 इज इक्वल टू 0, एक्चुअली दिस करंट इज एंटरिंग रस अदर टू करंट्स आर गोइंग आउट, ठीक है। सो इसके ऊपर और एक मैं लेक्चर्स बनाऊंगा, आई एम ट्राइंग टू मेक द लेक्चर्स एज अ शॉर्ट एज पॉसिबल, सो तुम्हारे लिए इसको देखना और समझना आसान हो। आई एम मेकिंग वन मोर लेक्चर्स ऑन इट, इट विल बी फॉलोड बाई दिस, ओके सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।